नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस पी शर्मा आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग आप लोग कैसे करेंगे आपके पास रोज़ फ्लावर प्लांट है लास्ट टाइम आप लोगों को रिपोर्टिंग करना था या अभी रिपोर्टिंग आपको करना है हो सकता है लास्ट टाइम आपको रिपोर्टिंग करना था रिपोर्टिंग नहीं कर पाया और अभी आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो मानसून की शुरुआत में ही आप रिपोर्टिंग करें तो अच्छा रहेगा और आप अगर एक साल पहले रिपोर्टिंग किए थे आपकी फ्लावर प्लांट एक साल से एक ही पॉट में लगा हुआ है तब भी आप रिपोर्टिंग कर लीजिए अभी रेनी सीजन में आपकी फ्लावर प्लांट की रूट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा रोजारियन हमेशा फेबर मंथ में रिपोर्टिंग करते हैं और हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं अक्टूबर मंथ में रूट प्रोनिंग और रिपोर्टिंग अक्टूबर मंथ में करते हैं तो आज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आप रिपोर्टिंग कर लीजिए आपकी फ्लावर प्लांट हो सकते हैं छोटे पॉट में लगा हुआ है और आप बड़े पॉट में रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो अभी सही टाइम है इसके लिए लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया था रोज़ फ्लावर प्लांट के लिए अभी से ही शॉयल मीडिया तैयार कर लीजिए उसका वीडियो आप लोगों को मैंने दिया था इनकेस अगर आप नया देख रहे हैं आपको पता नहीं है वो वीडियो कहाँ पर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है आप देख लीजिएगा अभी भी शॉयल तैयार करें दस पंद्रह दिन के अंदर आप रिपोर्टिंग करें ये फ्लावर प्लांट की देखिए रिपोर्टिंग करने के लिए हमने ये फ्लावर प्लांट को हमने निकाल लिए है मेरे पॉट साइज़ दस इंच है एक्चुअली सही महीने में वो दस इंच नहीं है बहुत ही छोटे रहते हैं ये देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इतना हाइट है इससे बड़ा पॉट मेरे पास नहीं है अभी मैंने प्लास्टिक की पॉट कलेक्ट किया है ये सीमेंट की पॉट में लगा हुआ था और इसका ये जो चौराई है चौराई भी दस इंच नहीं है दस इंच से कम है तो हमको इससे बड़े पॉट में शिफ्ट करना है बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए हमने प्लांट को निकाला आप क्या करेंगे देखिए सबसे पहले हम देखा थे बाजू में देखिए ये रूट काफ़ी ज़्यादा होना था अगर पॉट बड़े होते तो रूट भी काफ़ी ज़्यादा होते बिल्कुल घना हो जाता ऐसा घना नहीं है ये देखिए इस साइड कुछ रूट आपको देखने को आ रहा है लेकिन वाइट रूट का एक परत बन जाना था ये जो वाइट रूट है इसका परत बन जाना था वो नहीं बना है लेकिन नीचे एक रूट का कोयल बना हुआ है और ये रूट का कोयल हम हल्का सा कट करेंगे हम लेटर लेते हैं प्लांट को ये देखिए नीचे एक हल्का सा परत बना हुआ है और ये रूट देखिए वाइट नहीं है ये ब्लैक है इट मीन्स अगर ये वाइट कलर के रूट होता हमारे फ्लावर प्लांट की ग्रोथ और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होता तो इसमें से हल्का सा हमको झरा देना है और कुछ ये जो रेशेदार ब्लैक कलर की ये जो रूट है इसको हम हल्का सा कट करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं लेकिन अगर आपकी फ्लावर प्लांट 12 इंच की पॉट में है और ऐसे ब्लैक कलर की रूट है तो यहाँ से आपको कुछ शॉयल अलग कर देना है कट देना है ध्यान देन रखिएगा बिल्कुल ऊपर से काटेंगे चलेगा यहाँ से मान लीजिए एक इंच करके आप ऐसे करके काट देंगे पूरा गोल करके एक इंच करके हटा देंगे और नीचे से भी आप ऑलमोस्ट दो इंच हटा देंगे कट कर देंगे और इसके बाद आप सेम पॉट में अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो ऐसा करना अगर आपके पास दस इंच की पॉट में है आप बारह इंच की पॉट में लगाना चाहते हो तो हम जितना काटेंगे इतना ही काटना इससे ज़्यादा नहीं काटना और एक बात है अगर आपकी फ्लावर प्लांट की रूट वाइट कलर की है ब्लैक कलर की बिल्कुल नहीं है और आप छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हो तब आप रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे रूट में काटेंगे नहीं और एज़ इट इज़ रिपोर्ट कर देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अभी हम देखिए साइड से नहीं काटेंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा बड़े पॉट में शिफ्ट करना है नीचे से काट करते हैं चलिए नीचे हमने कुछ सिंडर डाले थे और ये सिंडर को हम धीरे धीरे करके अलग कर देंगे और कोई भी एक टूल्स की हेल्प से आपको ऐसे करके कट कर देना है ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं कटेंगे क्योंकि हमको बड़े पॉट में लगाना है ओनली ब्लैक रूट जो है ब्लैक रूट को हम कट कर देंगे ये देखिए ये थोड़ी थोड़े रेशेदार रूट है इसको हम कट कर देंगे ऐसे करके आपको कट कर देना है ऐसे करके हम कट कर देंगे ये देखिए हो गया इतना ही काट करना है इससे ज़्यादा और काट नहीं करना है इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा पॉट में लगाना है हमको देखिए हमने एक प्लास्टिक की पॉट लिए है ये ऑलमोस्ट 12 इंच है 12 इंच से भी थोड़ा छोटा है एक 11 इंच की पॉट है इससे बड़ा पॉट मेरे पास नहीं है तो अभी मैं इसी पॉट में ही शिफ्ट करेंगे नीचे हमने ड्रेनेज होल कवर किए हैं आप लोग भी अच्छा से ड्रेनेज होल कवर कीजिए उसके ऊपर से मैंने कुछ शिंडर डाला और इसके ऊपर से मैंने कुछ शॉयल डाल दिए देखिए ये शॉयल की वीडियो आप लोग को मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख पाएंगे इसका वीडियो और थोड़े से शॉयल हम डाल देंगे इसमें ये देखिए डाल दिए और हल्का हाथों से प्रेस कर देंगे इसके बाद हमको फ्लावर प्लांट को पॉट के ठीक बीचों बीच बैठालना है अभी हमने फ्लावर प्लांट को ठीक बीचों बीच बैठाल दिए हैं और इसके बाद हमको शॉयल से फिल कर देना है आप ऐसे करके शॉयल डाल दीजिए चारों साइड में डालेंगे शॉयल एक बात और ध्यान रखिएगा आप ही कोई भी ब्रांच की प्रूनिंग नहीं करेंगे आप ही अगर ब्रांच की प्रोनिंग कर देंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट ख़राब हो जाएंगे डाई बैक लग जाएगा अभी इसलिए ब्रांच प्रोनिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे रूट प्रोनिंग कुछ कर सकते हो वो मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को इसके बाद ये पॉट को हम ऐसे करके थोड़ा सा हिला देंगे ताकि जितनी शॉयल है पूरे शॉयल आजू बाजू बैठ जाए शॉयल से हमने पॉट को फिल कर दिए हैं। इसके बाद हमको वाटरिंग करना है ध्यान रखिएगा जिस टाइम आप रिपोर्टिंग करेंगे इसके बाद जब भी आप वाटरिंग करें फर्स्ट टाइम हो सकते हैं तो आप एसिडिक वाटर यूज करें इसमें और मैं भी एसिडिक वाटर यूज करूँगा जितनी भी पानी चाहिए पूरा पानी हम एसिडिक वाटर इसमें देंगे और एक बात मैं कहना चाहूँगा आप लोग अगर फ्लावर प्लांट पॉट से निकलना चाहते हैं और नहीं निकल रहा है या निकल नहीं पा रहा है तो आप क्या करेंगे मान लीजिए ये प्लांट को निकालना है आपको पॉट से और आप कैसे निकालेंगे वो नहीं पता और आपको डर लग रहा है तो ऐसा कोई भी एक टूल्स लीजिए ऐसा टूल्स लेने के बाद ऐसे पॉट की बाजू से इसको प्रेस करके आधा एक इंच दो इंच तक डाल देंगे ऐसे करके और ऐसा घुमा घुमा के पूरे में डालेंगे ये देखिए इसमें क्या होगा ये जो शॉयल है शॉयल कुछ लूज हो जाएंगे पॉट से अलग हो जाएगा और इसके बाद ये फ्लावर प्लांट को एक दो बार ऐसे करके हिला देंगे और इसके बाद खींच लेंगे और प्लांट निकल कर बाहर आ जाएगा इसके बाद आप अगर ऐसे हिला देंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा ये देखिए निकल चुके हैं प्लांट ऐसे करके आप आपकी फ्लावर प्लांट निकालिएगा इनकेस अगर आपकी फ्लावर प्लांट की रूट बाउंड नहीं हुआ है तब आपकी फ्लावर प्लांट की शॉयल नीचे से टूट सकता है इस बात को ध्यान रखिएगा इनकेस अगर रूट बाउंड नहीं हुआ है तो आप गीली शॉयल में आप आपकी फ़्लावर प्लांट को ना निकालें रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद आपको कम से कम पंद्रह दिन तक बारह एक्सठ जीरो एक ग्राम एक लीटर पानी में मिलाना है और ये फ्लावर प्लांट को देना है अगर एक लीटर पानी पूरा चाहिए है पॉट में तो आप पूरा दीजिए अगर कम चाहिए तो कम दीजिए इनकेस अगर बारिश हो रहा है वो कंडीशन में एक ग्राम अगर आपकी फ्लावर प्लांट बड़े हैं तो एक ग्राम ऐसे करके स्प्रिंकल करें शॉयल के ऊपर हल्का सा शॉवरिंग कर दीजिए प्लांट को तो मिल जाएगा चलेगा एन पी के बारह इकसठ जीरो आप लोग हफ्ते में दो बार देंगे शॉयल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आप तीन बार दे सकते हो इससे ज़्यादा नहीं देना है एक दिन अंतर से दे सकते हो हफ्ते में तीन बार और हफ्ते में एक बार वन ग्राम ह्यूमिक एसिड एक लीटर पानी में मिला के में देना है ऐसे करके आपको देना है और आप नेक्स्ट डे से आज आपने रिपोर्टिंग किए हैं नेक्स्ट डे से ही ए फीडिंग चालू करें कम से कम पंद्रह दिन तक ए फीडिंग चालू करेंगे और इसके बाद पंद्रह दिन बाद से ग्रीन गार्डन के स्पेशल मिक्स फर्टिलाइज़र ए फ्लावर प्लांट को देना स्टार्ट करेंगे अभी हम पानी देंगे देखिए पानी हमने एसिडिक बना लिए है एसिडिक पानी आप कैसे बनाएंगे इसकी अगर वीडियो चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है वो वीडियो को आप लोग देखिए और एसिडिक पानी तैयार करें और आप आपके पॉट में दीजिए उम्मीद करते हो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब जरूर कर देना साथ में बेलाइकन को प्रेस कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग